आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इसके बाहर कोई भी चीज़ नहीं आती जब भी आप बात करते हैं एक्सपोर्ट बिज़नेस की। अगर आप एक्सपोर्ट बिज़नेस एक अच्छी तरीके से एक प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं 90% फेलियर प्रूफ, 99% फेलियर प्रूफ हो जाएंगे और मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन पॉइंट्स का एक डॉक्यूमेंट भी मिलेगा, शीट, एक गूगल शीट भी मिलेगी जिसको कि आप बाद में अपने अकॉर्डिंग फिल करके चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर और मैं पिछले 8 साल से दिल्ली में एक लाइसेंस कस्टम हाउस एजेंट हूँ और अपनी कंपनी के लिए पोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस और पोर्ट ऑपरेशंस का काम देख रहा हूँ। और आप देख रहे हैं ट्रेड पे, जहाँ पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं। जब भी आप एक्सपोर्ट बिजनेस की बात करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप नोट डाउन कर लेंगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अराउंड आप 99% फेलियर प्रूफ हो जाएंगे। इन पॉइंट्स के बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ है जब भी आप बात करते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस की। मैं सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में और कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स कवर कर दूं इस वीडियो में। तो बिना वेट करते हुए सीधा मैं आप लोगों को पॉइंट्स की तरफ लेके चलता हूँ, डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को चाहिए होगा सबसे पहले GST, उसके बाद बैंक अकाउंट, करेंट बैंक अकाउंट जहाँ से आप रेमिटेंस करेंगे, उसके बाद आपको चाहिए IC, उसके बाद चाहिए आप लोगों को AD कोड, और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंटेशन, कहीं ना कहीं जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है ये है। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, आप चाहे तो पूरा का पूरा देख सकते हो उसको कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स काम करते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ मैंने खुद बहुत सारे मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ इन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे एक्सपोर्ट करते हैं। आप हैंडीक्राफ्ट ले लीजिए, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट ले लीजिए, ये सारे इन डॉक्यूमेंट्स के अराउंड ही हो जाते हैं। इसके अलावा आपको RCMC भी है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स और हैं, उसकी बात आगे करेंगे। तो इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हम खत्म करते हैं, उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट। देखिए, आपको सबसे पहले जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप लोगों को प्रोडक्ट सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किस प्रोडक्ट में आप लोगों की एक्सपर्टाइज है, क्या आप अच्छे से मार्केट से प्रोक्योर कर सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन पॉइंट्स को मैं इन डेप्थ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना ये अपने आप में एक टॉपिक है, इसके ऊपर एक अलग से पूरा का पूरा वीडियो बन सकता है। तो मैं सारे बुलेट पॉइंट्स आप लोगों को बता दूंगा और थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा कि क्या चीज़ है वो। अगला पॉइंट आता है आपका मार्केट सिलेक्शन। ठीक है, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप लोगों को मार्केट सेलेक्ट करना है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कौन से ओवरसीज मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है। हो सकता है कि गल्फ में डिमांड हो सकता है, कि US में डिमांड हो सकता है, कि यूरोप में डिमांड हो, क्योंकि हर एक कंट्री की नीड अलग होती है, हर एक कंट्री की जरूरत अलग होती है, हर एक कंट्री में हर एक चीज़ नहीं बनता तो डिमांड भी उसी अकॉर्डिंग होती है। तो मार्केट सिलेक्शन और मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं। उसके बाद है फाइंडिंग बायर। फाइंडिंग बायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप मार्केट, आप लोगों को पता लगे कि हाँ भाई आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, सपोज आप हैंडीक्राफ्ट को लेकर चलते हैं और हैंडीक्राफ्ट में आपको पता लगे कि US यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और इन सारी चीज़ों की वहाँ पर ज़्यादा डिमांड होती है रदर देन दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बेसिक जो डेकोरेशन वाली आइटम्स हैं और जो सजाने वजाने वाले आइटम हैं, इनकी डिमांड आपकी यूरोप और US मार्केट में ज़्यादा रहती है। तो आपको पता लगे कि मैं अपना प्रोडक्ट जो है US यूरोप मार्केट में भेज सकता हूँ, बट खरीदेगा कौन आपसे? तो खरीदने के लिए आपको बायर चाहिए जो आपको ऑर्डर देगा। जब भी आप यहाँ से शिप करेंगे तभी आपको पैसा आएगा, नहीं तो फ़ायदा क्या है? तो बायर ढूंढने के भी बहुत सारे मेट्रिक्स हैं, बहुत सारे अलग अलग डेडिकेटेड वीडियोस ऑलरेडी बने हुए यूट्यूब पर, मैं इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में। तो बायर ढूंढना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायर का एक मिनट छोटा सा बता देता हूँ आप लोगों को किस तरीके से बायर मिल सकता है। देखिए, बहुत सारे हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डेटा, बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ऑनलाइन आप लोगों को मिल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन बायर है। उसके अलावा जो आप लोगों का पर्टिकुलर RCMC यानी जो EPC है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, वहाँ पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प करते हैं कि कौन से बायर्स हैं और कौन से क्रेडिबल बायर्स हैं जिसके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। उनको बाद में आप फॉलोअप करके, मेल करके, जिस भी तरीके से आप लोग करना चाहते हो उस तरीके से उनको ट्रैक करके अपना सामान उनको बेच सकते हैं। उसके बाद है प्राइसिंग। अब क्या है कि आपको आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, मार्केट सेलेक्ट कर लिया, आपको बायर भी मिल गया, बट प्राइसिंग किस तरीके से देनी है ये भी एक बहुत ही अपने आप में एक मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कंपिटेटिव मार्केट में बने रहने के लिए प्राइसिंग का कंपिटेटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको भी अगर मैं छोटा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा तो इसमें क्या होता है कि प्राइसिंग की जब आप बात करते हैं, चाहे आप लोकल बिजनेस ले लो चाहे आप ओवरसीज एक्सपोर्ट की बात करो, तो प्राइसिंग में क्या होता है कि प्राइसिंग में ना आप लोगों को प्राइसिंग इस तरीके से देनी होती है जब आपके जितने ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं और जितने आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, इन सब सारी चीज़ों को हटा के फिर आपको प्रॉफिट जोड़ना होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को कि जब आप प्राइसिंग देते हैं ना, मैं छोटा सा डिस्कस कर देता हूं आप लोगों के साथ कि जब आप ओवरसीज में प्राइसिंग देते हो तो आपने अगर 100 रुपये का माल खरीदा, सारा खर्चा करने के बाद जितने भी ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं उसको लगाने के बाद उसकी माल की प्रोडक्ट कॉस्टिंग जो पड़ रही है आपको 100 रुपये की, बट और चाह रहे हो कि आप 120 रुपये में बेचोगे क्योंकि एटलीस्ट 20% का प्रॉफिट तो आप करोगे ही,
अब इसमें क्या होता है कि आप लोगों को ना इसके अंदर अपना ड्रॉबैक और दूसरे जो स्कीम्स है ना, उन स्कीम से जो आप लोगों को पैसा मिलने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपोर्ट करने के लिए, उसको भी अगर आप फर्दर सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना उस प्रॉफिट मार्जिन में से, तो आप उसको 115 में बेच के भी 120 रुपये का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि 4-5 रुपये तो आपको गवर्नमेंट ही दे देगी उस प्रोडक्ट पर। तो आप 115 रुपये में बेचोगे तब भी आपका प्रॉफिट 120% का ही प्रॉफिट होने वाला है। तो इस तरीके से आप प्राइसिंग कर सकते हैं, क्योंकि प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइसिंग के ऊपर भी आगे जाके फर्दर एक वीडियो आएगा, तो प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप बात करते हैं एक्सपोर्ट की। अगला एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, कई लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं होता इस चीज़ के बारे में, कई लोगों को नॉलेज ही नहीं होती, तो ECGC, आप ECGC की भी हेल्प ले सकते हैं। ये एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर्स को, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी काउंसिल है। इनकेस आपका बायर जो है आपको पैसा नहीं देता, आपको किसी भी तरह का कोई डिफॉल्ट हो जाता है, तो ECGC जो है वो आप लोगों का रिस्क कवर करता है। इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ऑब्वियसली उसको फुलफिल करना होता है। साथ ही साथ जो आप जिस बायर के साथ ट्रांजेक्शन करने वाले हैं ना ओवरसीज में, जिस बायर को आप बेचने वाले सामान, उस बायर की क्रेडिबिलिटी भी इससे कहीं ना कहीं पता लग जाती है, क्योंकि अगर उस बायर को ये ECGC कवर कर रहा है तो ऑब्वियसली वो बायर जो है वो क्रेडिबल बायर है, उसने पास्ट में भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर रखे हैं हमारे इंडिया के दूसरे फॉर्म्स के साथ, जिसका रिकॉर्ड ECGC के पास है, और ECGC एग्री करता है कि हाँ भाई हम इस पर्टिकुलर बायर के लिए आपको गारंटी प्रोवाइड करेंगे, आपको कवरेज देंगे। तो ECGC भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जब भी आप बात करते हैं आपके एक्सपोर्ट की। देखिए उसके अलावा मैं अगर कंप्लीट प्रोसेस की बात करूँ ना, कंप्लीट प्रोसेस की मैं बात करूँ तो इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके अलावा देखिए कन्फर्मेशन ऑफ ऑर्डर आता है, प्रोक्योर, आप ऑर्डर कन्फर्मेशन हो गया, गुड्स आपने प्रोक्योर कर लिए, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। ऑब्वियसली जब भी आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर क्वालिटी का होना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल में क्या आता है कि जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो फसाई का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आपको, हलाल का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जब आप गल्फ में एक्सपोर्ट करेंगे फूड को, FDA लेना पड़ेगा आपको जब आप बात करते हैं एक्सपोर्ट करने की फूड प्रोडक्ट को USA में, यूरोप के लिए कुछ अलग दूसरा सर्टिफिकेट होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना भी एक्सपोर्ट के मामले में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका फिर बात बनेगी नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट जब करेंगे तो क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेबलिंग पैकिंग का भी मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेबलिंग और पैकिंग भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। अगर DG गुड्स है DG की लेबलिंग होनी चाहिए, फायर गुड्स है तो फायर गुड्स की लेबलिंग होनी चाहिए। किस तरीके से चीज़ें पैक होती हैं, किस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है कि वायर का नाम, और जिससे कि कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो लेबलिंग पैकिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंश्योरेंस करा सकते हैं आप, ऑब्वियसली जब आप इन ट्रांजिट, क्योंकि आप अगर सी से भेज रहे हैं तो इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एयर के केस में बहुत लोग नहीं रखते हैं, बहुत लोग लेते भी हैं, सी के केस में ज़्यादातर लोग इंश्योरेंस लेते हैं, तो इंश्योरेंस का यूज़ ज़रूर करिए, क्योंकि इंश्योरेंस इन ट्रांजिट में अगर आपके गुड्स को कुछ हो जाता है तो उसको कवर कर लेगा। कस्टम प्रोसीजर इसके बाद आता है आपका, कस्टम प्रोसीजर, हाँ कस्टम प्रोसीजर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं पिछले 8 साल से कस्टम हाउस एजेंट हूँ, तो मुझे पता है कि कस्टम प्रोसीजर भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट मेरी बात मानिए कि फर्स्ट टाइम का थोड़ा ट्रांजेक्शन हमेशा थोड़ा सा उसमें वो होता है, क्या कहते हैं, ट्रैक्शन रहता है, बट उसके बाद चीज़ें बिल्कुल स्मूथ हो जाती हैं। कस्टम क्लियरेंस के लिए भी कुछ नहीं चाहिए होता, आपको इनवॉइस पैकिंग लिस्ट चाहिए होता है, शिपिंग बिल आप लोगों को जनरेट हो जाता है, तो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको कस्टम क्लियरेंस के लिए, वो आपको जो ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स है उसको उठा देते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट। इनवॉइस होता है आपकी, जो आप जिस चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल होती है, उसकी वैल्यू वगैरह होती है, कौन है बायर, कौन सप्लायर, बैंक डिटेल वगैरह होती है। पैकिंग लिस्ट बेसिकली बताता है कि आपने जो पैकिंग करी है, कौन से बॉक्स के अंदर कितनी क्वांटिटी है, क्या वेट है एक बॉक्स के अंदर, और एक बॉक्स के अंदर कितनी क्वांटिटी है, और प्रोडक्ट कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने उस पर्टिकुलर बॉक्स में पैक किया है, तो पैकिंग लिस्ट उसको बताता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट के टाइम पे एक आप लोगों को शिपिंग बिल मिलता है, जो कि आप गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को मिलता है, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो शिपिंग बिल मिलता है, इंपोर्ट करते हैं तो बिल ऑफ एंट्री मिलता है, जो कि आपको बाद में बैंक रिलेशन सर्टिफिकेट के, बैंक रियलाइजेशन मतलब बैंक में बैलेंस आउट करते टाइम आप लोगों को ये चीज़ें काम आती है, जब सारे बंच बना के आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, बैंक रिलेशन सर्टिफिकेट लेंगे जब आप बैंक से रेमिटेंस के अगेंस्ट में, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके काम आते हैं। उसके अलावा देखिए डॉक्यूमेंटेशन में जो है आपका यही है, कस्टम हाउस एजेंट के अंदर जो है डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट एक और आ जाता है, तो डॉक्यूमेंटेशन में आप लोगों का इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, एयरवे बिल आ जाता है जब आप एयर से एक्सपोर्ट करते हैं, BL आ जाता है जब आप सी से एक्सपोर्ट करते हैं, तो एयरवे BL, BL हो गया, शिपिंग बिल हो गया, कमर्शियल इनवॉइस पैकिंग लिस्ट हो गया, ठीक है। अब लास्ट पार्ट आता है, देखिए लास्ट पार्ट आता है इन सारे डॉक्यूमेंट्स के, जब आपने एक्सपोर्ट कर दिया, आपका पैसा आ गया, तो बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट बैंक से लेना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, शिपिंग बिल हो गया, इंश्योरेंस हो गया आपका, BL हो गया, कमर्शियल इनवॉइस हो गया, पैकिंग लिस्ट हो गया, इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, अगर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपने गल्फ में एक्सपोर्ट किया है तो ऑब्वियसली आपने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी लिया होगा, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सारे सबका बंच बना के आपको बैंक में देना होता है, ताकि वो उनका जो आपका जो ट्रांजेक्शन है उसके अगेंस्ट में उस चीज़ को बैलेंस आउट करके आपको बैंक रिलेशन सर्टिफिकेट इशू कर दे।
तो देखिए ये सारे के सारे ना मोटे मोटे आपके पॉइंट्स होते हैं, और ये जो सारे मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इनका आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। मैंने ये सारा का सारा एक गूगल शीट में बना रखा है, उस थोड़ा थोड़ा मैंने इन्फॉर्मेशन भी डाला हुआ है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ों को वहाँ पर डाल सकते हैं, और हर एक एक्सपोर्ट के टाइम पे इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को मैच कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का जो है मिस्टेक्स बहुत कम हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो जब डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो उसको अमेंड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक बार ये चीज़ें हो जाती हैं तो वो हो ही जाती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पोर्टल में जाके उसको दोबारा अमेंड कर पाना बहुत लंबा और लेंदी प्रोसीजर हो जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करिए, इस चेकलिस्ट को फॉलो करिए। इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है। एक्सपोर्ट परस्पेक्टिव से ऑब्वियसली ये चेकलिस्ट इम्पोर्ट के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। एक्सपोर्ट के लिए आप इस चेकलिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल मिस्टेक प्रूफ और बिल्कुल फायर प्रूफ चेकलिस्ट है। तो आप नीचे देखिए लिंक से इस चेकलिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में सिमिलर इन्फॉर्मेशन के साथ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। और कोई भी आपकी क्वेरी तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।